हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जगदम्बा कार एक्सेसरीज वडोदरा। मैं हूं आपका होस्ट राकेश और आज आप लोगों के लिए एक और फ्रेश नई ब्रेजा के साथ आ चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने एक मेक ओवर कर दिया हुआ है। ब्रेजा LXi कार आई थी, लेकिन एक अलग ही लेवल पे हम लोग आज इसको डिलीवर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो टॉप है वो ब्लैक कलर में रैपिंग हो चुका है, जिससे हम लोगों ने पूरा जो एवरी डेनिसन ब्रांड का रैपिंग आता है वो किया है, ताकि जो कार है वो ड्यूअल टोनिंग फिनिश में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार की मैं बात करूं तो इसमें हम लोगों ने फ्रंट ग्रिल क्रोम गार्निशिंग इंस्टॉल किया हुआ है, जो सिर्फ 3M के स्टिक ऑन डबल गम टेप से ही इंस्टॉल हो जाती है और मारुति की जेन्यून है। फ्रंट की स्कीड प्लेट इंस्टॉल हुई है, जो यू शेप में आती है सिल्वर मेटालिक फिनिश के साथ। फॉगलाइट क्रोम गार्निशिंग किया हुआ है और फ्रंट की लोअर स्कीड प्लेट इंस्टॉल की हुई है, जो मारुति की जेन्यून है। इस कार में काफ़ी बजट फ्रेंडली काम हुआ है, लेकिन सर का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि जो भी कंपनी से टॉप पेरेंट में आता है उस तरीके से मैं वर्क करूँगा, इसलिए ओरिजिनल बल्ब को स्टॉक ही रहने दिया है हेलोजन वाले। फॉगलाइट बहुत ही जल्द हम लोग लगाने वाले हैं, लेकिन कार आप देख सकते हो कि फ्रंट प्रोफाइल से किस तरीके से आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों, साइड प्रोफाइल ऑफ द कार की मैं बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि किस लेवल पे जो ये कार है ब्रेजा LXi वेरिएंट है, लेकिन अब जो कार है वो मॉडिफाइड हो चुकी है ZXi की तरह। आप देख सकते हो यहाँ पे रूफ रेल इंस्टॉल हो चुके हैं, जो सिल्वर मेटालिक में ABS क्वालिटी के आते हैं। इसमें हमने कोई भी 3M के टेप से ही बस चिपका दिया है, ऐसा नहीं कि कोई ड्रिल वगैरह किया है, ओरिजिनल 3M टेप से गम कर दिया है। टूर वाइजर की सर को रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए नहीं इंस्टॉल किए हुए। लोअर विंडो गार्निश लगाई हुई है, जो सेट ऑफ 6 पीस में आती है। इसका फिनिशिंग आप देख सकते हो। मोल्डिंग इस कार में हमने इंस्टॉल किया है मारुति के जेन्यून, जो सिल्वर मेटालिक विथ क्रोम गार्निशिंग के साथ है। और मड फ्लैप भी हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए हम लोग डे टाइम में इतना वर्क करने के बाद आपको वीडियो दिखा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है गाड़ी को मॉडिफाई करने में, फिर शाम के टाइम पर ये जो ड्यूअल टोनिंग का इफेक्ट है वो आपको दिखता नहीं है। इसलिए आपको मैं हर एंगल से दिखाना चाहता हूँ कि जब आप कार लेते हो वाइट कलर की, तो ब्लैक ब्यूटी थीम ज़रूर करवाएं, ताकि आपकी जो कार है ये वाइट एंड ड्यूअल टोन ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। और इसमें आपको अगर ऑटो फोल्ड मिरर इंस्टॉल करवाने हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन सर ने नहीं करवाया। आप जैसे ही लॉक करोगे तो ऑटो फोल्ड हो जाएंगे ये मिरर। मारुति के जेन्यून हमारे पास अवेलेबल है। रियर प्रोफाइल से भी दोस्तों आप देख सकते हो कि जो स्पॉइलर के एक पीस आता है उसको भी हमने ग्लॉसी ब्लैक किया हुआ है। रैपिंग करने का एक फ़ायदा होता है दोस्तों, कि जब आपका मन करे कि भाई अब मुझे ओरिजिनल वाइट कलर की ही कार कर देनी है, तो इसको बस आप पील ऑफ कर दोगे 2-3 साल बाद, तो भी आपका ओरिजिनल कलर डैमेज नहीं होता और एक लुक बना रहता है, ओरिजिनल कलर मेंटेन रहता है। इसको और मेंटेन करने के लिए अगर आपको कार केयर करनी है तो आपको 3M का टेफ्लॉन कोटिंग करवाना चाहिए, सिंथेटिक कोटिंग करवाना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा रहता है। इसकी जो टेल लाइट है वो आप देख सकते हो एकदम रेंज रोवर स्टाइल है, लेकिन अगर आपको इसको और बोल्ड बनानी है तो यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर लाइट लगवानी चाहिए, ताकि जो आपके टेल का जो इम्प्रेशन है वो टेल लाइट से रिफ्लेक्टर लाइट से मैचिंग परफेक्ट लगेगा। और जो रियर की स्कीड प्लेट भी है वो आप दोस्तों देख सकते हो मारुति की जेन्यून इंस्टॉल की हुई है, और रियर की लोअर स्कर्ट्स प्लेट भी हमने इस कार में इंस्टॉल की हुई है। पार्किंग कैमरा हमने यहाँ पर प्लेसमेंट कर दिया हुआ है। इस कार में म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता है, वो हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है। और 4 डोर्स और रियर ग्लास में सन कंट्रोल फिल्म इंस्टॉल की हुई है, ताकि जो हीट है वो आपकी कार में ना आए और विजिबिलिटी भी परफेक्ट बनी रहे। और इंटीरियर ऑफ द कार में दोस्तों आप देख सकते हो सीट कवर्स हम लोगों ने इस बार ग्रैंड विटारा लुक्स टाइप किए हुए इंस्टॉल, क्योंकि सर का जो टेस्ट था वो ग्रैंड विटारा लेवल पे था, लेकिन कहीं ना कहीं बजट के हिसाब से सर ने ब्रेजा ली है। लेकिन कोई बात नहीं, जो लग्जरियस फील आपको चाहिए गाड़ी के अंदर वो आपको ब्रेजा के अंदर भी मिल सकता है, और अल्टो में भी आप ऐसे सीट कवर बनवा सकते हो हमसे। लेकिन ये जो सीट कवर की फिटमेंट एंड फिनिशिंग आप लोग देख रहे हो वो फुल बकेट फिटिंग में है, परफोरेशन के साथ है, और इतने अच्छे स्टिचिंग भी यहाँ पर दिए हुए हैं जो डिज़ाइन को एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। आर्मरेस्ट की मैं बात करूँ तो आर्मरेस्ट हमने इंस्टॉल किया हुआ है आफ्टर मार्केट वाला। अगर आप चाहो तो मारुति का जेन्यून विथ USB वाला भी इंस्टॉल करवा सकते हो। गियर नॉब हमारे पास अवेलेबल है ओरिजिनल, और आप स्टीयरिंग देख सकते हो टॉप वेरिएंट वाला हम लोगों ने रिप्लेस किया हुआ है, ना कि खाली ओनली स्विच लगाई है।
सबसे पहले आपने हमारे वीडियो में देखा होगा कि हमने स्विच लगाई थी, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल स्टीयरिंग अवेलेबल है मारुति का जेन्युइन, उसको हम बस रिप्लेस करके, जेन्युइन उसका स्वीपरिंग आता है वो रिप्लेस करने के बाद, ये पूरा लेदर रैप वाला वॉल्यूम प्लस माइनस नेक्स्ट प्रीवियस म्यूट क्रूज कंट्रोल की लाइट्स आती है लेकिन क्रूज चलता नहीं है, वैसा हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फील आ जाता है आप एलेक्स वेरिएंट में जब ऐसा स्टीयरिंग लगवाते हो। एंड्रॉयड फ्रेम की बात करूं तो वो भी हमने पियानो ब्लैक फिनिश में इंस्टॉल की हुई है ताकि आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं से बेसिक ना लगे। और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इंटीरियर को एनहांस करने के लिए, जैसे कि आप हाइड्रो डिपिंग करवा सकते हो, इंटीरियर लेदर रैपिंग करवा सकते हो और इनर हैंडल्स भी आप लोग टॉप मॉडल वाले लगवा सकते हो। रियर बैक के फिटमेंट से लेकर सीट के फिटमेंट तक आप लोग देख सकते हो, पूरा बकेट फिटिंग हुआ है और जो परफोरेशन होता है उसमें आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। और दूसरी बात कि ये जो एलएक्सआई वेरिएंट होती है उसमें ये पीछे के हेडरेस्ट नहीं आते, पूरी सिंगल सीट ही आती है, लेकिन आपको उसमें भी मारुति के जेन्युइन कम्फर्ट चाहिए तो आप ऐसे रियर हेडरेस्ट लगवा सकते हो मारुति के जेन्युइन विथ जो अप्स एंड डाउन्स के फंक्शन के साथ, और उसके ओरिजिनल नॉब की क्लिप भी हम लगाते हैं और पूरी सीट खोल के अंदर उसके जो ब्रैकेट आते हैं वो भी हम लोग इसमें इंस्टॉल करते हैं। सो आप एलएक्सआई लेके ZXI में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो हमारे पास आ सकते हो। दोस्तों इस कार में भी हम लोगों ने फ्लोर लेमिनेशन मैट इंस्टॉल किया हुआ है जो सिंगल पीस में है और उसके ऊपर हमने एक सेट ऑफ 5 पीस वाली ग्रास मैटिंग लगाई हुई है ताकि आपकी जो कार है उसमें आप इजीली क्लीन कर सको। और 70 मैट भी अवेलेबल है हमारे पास, 3D मैट है, 3X मैट है, GFX मैट भी हमारे पास अवेलेबल है। और दोस्तों आप देख सकते हो जो एंड्रॉयड स्टीरियो इस कार में इंस्टॉल हुआ है वो कोको डिज़ाइन ब्रांड का है और कोको डिज़ाइन एक कोरिया का ब्रांड है जिसमें आपको मिल जाता है FM, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, YouTube, Google और नेविगेशन। फुल कैपेसिटिव टच के साथ आता है। वीडियो क्लैरिटी की मैं बात करूं तो बहुत ही अल्ट्रा HD वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस एंगल से देखोगे तो भी आपको वीडियो अच्छा दिखेगा और राइट लेफ्ट दोनों साइड से आप देखोगे तो वीडियो की क्लैरिटी जो है वो आप लोगों के सामने है। इसके अंदर और एक बेटर फंक्शन ये है कि इसमें आपको थीम्स मिल जाते हैं, वो काफ़ी सारे थीम्स आपको ऑप्शन में है। लाइफ टाइम के लिए फ्री है, 2GB रैम, 32GB इनबिल्ट मेमोरी विथ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के साथ ये वाला एंड्रॉयड स्टीरियो आपको मिल जाएगा जगदम्बा कार एक्सेसरीज पे। और दूसरे भी बहुत सारे ब्रांड्स हमारे पास अवेलेबल है और इसकी फ्रेम और फिटमेंट की क्लैरिटी भी आप चेक कर सकते हो। और रिवर्स करते ही एक आपको जो विज़न देखने को मिल रहा है, अल्ट्रा HD वाइड एंगल कैमरा भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो को ध्यान से देखा होगा। बाकी इस वीडियो के एंड तक आपको इसके बिफोर आफ्टर के सिनेमैटिक शॉट्स देखने को मिलेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से एक बार आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।